हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर फोकस। हमारी थर्ड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। देखो नाम से ही आपको पता लग रहा है, फर्स्ट आप देखें ये ग्राम, ग्राम मतलब विलेज, सड़क, सड़क का मतलब रोड। तो इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू विलेज रोड्स, ठीक है, कि गाँव में रोड्स जो हैं उनको हमने क्या करना है, बिल्ड करना है इस स्कीम के अंडर, ठीक। इट इज़ ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ये तो हमें पता ही है, एंड लॉन्च्ड इन 2000 दिसंबर 2000 में ये स्कीम को लॉन्च किया गया, जिसका मोटो क्या था, ऐसे रूरल एरियाज जहाँ पे 500 की पॉपुलेशन हो, एटलीस्ट 500 की पॉपुलेशन है और 500 से ज़्यादा लोग हैं प्लेन एरियाज में, ठीक है, एंड हिल स्टेट्स इंक्लूडिंग नॉर्थ ईस्ट, डेजर्ट स्टेट्स, ट्राइबल स्टेट्स एंड अदर बैकवर्ड एरियाज विद ए पॉपुलेशन ऑफ 250। ध्यान से समझे, अगर तो हिली एरियाज हैं तो अगर वहाँ 250 लोग रहते हैं और प्लेन एरियाज में अगर 500 लोग एक गाँव में रहते हैं, तो ऐसे गाँव में हमने क्या करना है, रोड की कनेक्टिविटी पहुँचानी है, रोड्स वहाँ पे बनाने हैं, वो भी पक्के रोड अंडर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ठीक। बिल्डिंग न्यू रोड्स एंड ऑल्सो अपग्रेड एग्जिस्टिंग रोड्स, फॉर एग्जाम्पल के लिए एक छोटा रोड है तो इस छोटा रोड को हम क्या करेंगे, अपग्रेड करेंगे, इसको बड़ा बना सकते हैं, ठीक, अंडर दिस स्कीम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। और एक और ऑब्जेक्टिव है, बिल्ड ऑल वेदर रोड्स। देखो रोड जो यहाँ बनेंगे ऐसे रोड हों जिसको हम 12 के 12 महीने एक्सेस कर पाएँ, ठीक है, ये ना हो कि जब बारिश वाला सीज़न आए, रेनी सीज़न आए, तो ये जो रोड्स हैं ढह जाएं, या फिर आपका किन्हीं एरियाज़ में बर्फ़बारी जब होती है ये रोड ब्लॉक हो जाएं। तो हमें कोशिश ये करनी है कि जितने भी ये रोड बने ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी वाले रोड बने अंडर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। 2000 में इसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई। द रोड्स डेवलप अंडर दिस स्कीम, इस स्कीम के अंडर जो रोड डेवलप हुए आर मेंटेन्ड बाय पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। ये क्यों, क्योंकि ये रूरल रोड्स हैं। देखो अब रूरल रोड्स, रूरल में कौन रूल करता है, आपका पंचायत, ठीक, तो यहाँ पे आपके मेनली ये रोड जो होंगे कौन मेंटेन करेगा, पंचायत राज जो इंस्टीट्यूशन है आपके पंचायत वो करेंगी। अब ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब आपको पता होगा स्पॉन्सर्ड में 100% पैसा जो है ये सेंटर नहीं लगाता, ठीक, कुछ पैसा जो है स्टेट को लगाना पड़ता है। इसमें सेंटर का जो शेयर होगा ये 60% होगा और 40% जो होगा ये स्टेट्स को पैसा लगाना पड़ेगा रोड्स को बिल्ड करने के लिए। बट जहाँ पे हिली स्टेट्स हैं और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, यहाँ तो बहुत ज़्यादा बुरी हालात हैं रोड्स के, इतनी कनेक्टिविटी नहीं देखने को मिलती, तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि हम 90% तक पैसा लगाएंगे, 10% स्टेट्स जो हैं खुद लगाएंगे, ठीक। और इस स्टेट, अगर हम इसकी बात करें स्कीम की, तो इसकी जो नोडल मिनिस्ट्री है जो इसको इम्प्लीमेंट करवा रही है, ये है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ये बात ध्यान रखें, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो आपको ग्राम सड़क योजना में इतना ही पढ़ना है, ठीक, बेसिकली ये रूरल एरियाज में रोड डेवलप करेंगे, 60% पैसा सेंटर देगा और रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है, मिनिस्ट्री जो है, इसको लीड करेंगी, मेंटेन करेंगे रोड्स को पंचायत। नाउ डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज रिलेटेड टू प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। क्वेश्चन नंबर वन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इज ए फ्लैगशिप स्कीम ऑफ विच मिनिस्ट्री, किस मिनिस्ट्री के अंडर ये स्कीम आपकी आती है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट।
तो आपका करेक्ट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक, ये आपकी ग्राम सड़क, ग्राम में जो सड़क है ये बनवाएंगे, विलेजेस से विलेजेस जोड़ने की इसमें बात की जाती है। ठीक, अभी हमने ये बात पढ़ी है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन, इनमें से कौन सा पर्सन है, पर्सनालिटी है जिसने स्टार्ट किया था ग्राम सड़क योजना को? मिस्टर नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी या निर्मला सीतारमन, फाइनेंस मिनिस्टर जो है। तो आपका करेक्ट आंसर यहां हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और इन्होंने ही, इनके टाइम पे ही स्टार्ट की गई है आपकी ग्राम सड़क योजना। ठीक है, और आगे इसी को फिर अभी तक भी 2022 तक भी कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा है जिस गांव में आपकी सड़क नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वाज स्टार्टेड इन विच ईयर, कौन से ईयर में ये स्टार्ट हुई? 2000, 2014, 2005 and 2010। तो आपका आंसर हो जाएगा 2010। ठीक, 2010 में अटल जी ने ये स्टार्ट की है आपकी योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज इज मैनेजिंग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इनमें से कौन सी एजेंसी है? ये सब की सब एजेंसी रोड बनाने में आगे लगी हुई है। ठीक है, सारी एजेंसी रोड बनाती हैं। अच्छा, आपने बताना है इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है जो आपकी ग्राम सड़क योजनाएं को इम्प्लीमेंट करवाती है, इस स्कीम के अंडर रोड बनवाती है। क्या वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है या स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है या नेशनल रूरल रोड डेवलपमेंट एजेंसी है? तो करेक्ट आंसर जो है ये आपका हो जाएगा 4, नेशनल रूरल रोड्स डेवलपमेंट एजेंसी। देखो नाम में बता रहा है रूरल रोड्स। ठीक, तो ये भी आपकी क्या है, रूरल रोड, ग्राम सड़क, ग्राम का मतलब रूरल, सड़क का मतलब रोड। ठीक है, नेशनल हाईवे जो आपका है ये हाईवेज बनाएगा। ठीक, जितने भी हाईवेज हैं ये आपका नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाएगा। स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट आपके जो डिस्ट्रिक्ट रोड होते हैं, डिस्ट्रिक्ट रोड्स जो कैपिटल सिटी को, एक स्टेट में कैपिटल सिटी को बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के साथ जोड़ती हैं, ये बनाते हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है ये बॉर्डर में जो बॉर्डर एरियाज हैं, बॉर्डर एरियाज में रोड्स बनवाती हैं। और आपकी जो NRRDA नेशनल रूरल रोड्स डेवलपमेंट एजेंसी जो है ये आपके रूरल रोड्स बनवाती हैं। होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, कुछ सीखने को मिला हो वीडियो को लाइक करें। पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं, करियर फोकस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।